दोस्तों एक हॉन्टेड पार्क जिसके तीन रूल तोड़ने से लगेगा श्राप, जो इंसान को ले जाएगा एक दूसरी दुनिया में। कुछ ऐसा ही हमारी आज की जैपनीज हॉरर मूवी में होने वाला है, जिसका नाम है तोशिमाएन हॉन्टेड पार्क। मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी और डरावनी है, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। आईएमडीबी ने इसे 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं तोशिमाएन हॉन्टेड पार्क मूवी की एक डरावनी खौफनाक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है युच्ची नाम के एक इन्फ्लुएंसर को दिखाते हुए, जो चाम नाम के लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड आइको के साथ आया हुआ था तोशिमाएन नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में। वो तीनों वहां पे आए थे एक ओल्ड मैंशन का दरवाजा खटखटाने के लिए, क्योंकि लेजेंड के हिसाब से जो भी ओल्ड मैंशन का दरवाजा खटखटाएगा वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। वो तीनों जाके ओल्ड मैंशन के दरवाजे को खटखटाते हैं और पल भर के अंदर एक डरावनी आवाज तीनों को सुनाई देती है। मैंशन के अंदर से आवाजें आने लगती है और अचानक ही एक इनविजिबल शक्ति चाम को मैंशन के अंदर ले जाती है। युच्ची और आई को दोनों ही डर जाते हैं और मैंशन का दरवाजा लॉक हो गया था। अगले ही पल वो शक्ति आइको को भी पकड़ के अपने साथ ले जाती है और एंड में वो जो भी चीज थी युच्ची को भी पकड़ के मार डालती है। कैमरा जमीन पे गिर जाता है और पार्क की मैरी गो राउंड नाम की एक राइड अपने आप चलने लगती है। अब सीन जाता है साकी पे, जो हाई स्कूल से अभी अभी पढ़कर निकली थी। साकी को उसकी दोस्त मिलने के लिए बुलाती है और जब वो घर से निकलती है तो वो अपने पड़ोस के एक घर को घूरने लगती है। उस घर में से मिसेस कोबायाशी साकी को अपने पास बुलाती है, जिसे देखकर साकी चौंक जाती है। असल में दोस्तों सालों पहले उस घर में कोबायाशी फैमिली रहती थी और साकी की एक दोस्त थी जिसका नाम था यूका कोबायाशी। अब एक दिन यूका गायब हो गई थी और आज तक किसी को नहीं पता कि यूका के साथ क्या हुआ था। युका के गायब होने के बाद कोबायाशी फैमिली घर को खाली करके चली गई थी, पर आज युका के मम्मी पापा वापस आए हैं घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि उनका घर बिकने वाला है। मिसेस कोबायाशी साकी को देखकर खुश थी, क्योंकि साकी युका की बेस्ट फ्रेंड थी और आज मिसेस कोबायाशी साकी को तोशिमाएन पार्क की कुछ फ्री टिकट्स देती है। टिकट्स तो साकी ले लेती है, पर उसके बाद मिसेस कोबायाशी युका और साकी की एक पुरानी फोटो साकी को देती है, पर किसी वजह से साकी वो फोटो नहीं लेती और वहां से भाग जाती है। खैर अब साकी पहुंचती है अपनी दोस्तों के पास, जिनके नाम थे अंजू, आमी, चियाकी और काया। वो सब लोग आज मिल रहे थे क्योंकि साकी अब रोड पढ़ने के लिए जा रही थी। थोड़ा बातचीत करने पे वो लोग टॉपिक छेड़ देते हैं मिसिंग युका का और साकी बताती है कि वो युका की माँ से मिलके आई है और वो निकालती है तोशिमाएन पार्क की टिकट्स, जो कल एक्सपायर होने वाली थी। सब लोग फैसला करते हैं कि कल वो एम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए जाएंगे, पर उससे पहले मस्ती करने के लिए वो लोग जाते हैं युका के खाली घर में, जहाँ पे से उसके मम्मी पापा सफाई करके जा चुके थे। वो सब वहां पे फालतू का काम करते हैं और घर की वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं, पर साकी को युका के कमरे में कुछ दिखाई देता है जो किसी और को नहीं दिखता। अब सब घर चले जाते हैं और रात को साकी को आता है युका के बारे में एक सपना और हमें पता चलता है कि बचपन में साकी ने युका से मैरी गो राउंड राइड पर हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस किया था। खैर अगले दिन फिर से पांचों लड़कियां मिलती हैं और सब जाते हैं तोशिमाएन पार्क। वो सारे दोस्त पार्क में सबसे पहले मैरी गो राउंड राइड के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये राइड 110 साल पहले जर्मनी में बनी थी। देन उस राइड को यूएस ट्रांसफर कर दिया गया था और 1971 में वो जापान के अंदर आई थी। मतलब इस झूले का बहुत तगड़ा इतिहास है। अब वो सब लोग इसके बाद रोलर कोस्टर पे बैठते हैं, हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं और पूरा दिन मस्ती करते हैं। सारे के सारे दोस्त सारे झूले और राइड्स पे मस्ती करने के बाद निकल रहे थे ओल्ड मैंशन के पास से, जब आमी रुक जाती है क्योंकि उसे श्राप की बातों से डर लगता था। अब यहाँ पे उन लड़कियों के बीच में तोशिमाएन श्राप का टॉपिक छिड़ जाता है और हमें पता चलता है तीन रूल्स के बारे में, जिन्हें तोड़ने वाला श्रापित हो जाएगा।
पहला रूल था ओल्ड मैंशन के गेट को मत बजाना, दूसरा रूल था हॉन्टेड हाउस में किसी का भी जवाब मत देना, और तीसरा रूल था मिरर वर्ल्ड के अंदर सीक्रेट मिरर के अंदर मत देखना। रूल तोड़ने वाला ऑब्वियसली मारा जाएगा, पर वो लड़कियां हंस रही थी और किसी को श्राप पे यकीन नहीं था आमी को छोड़कर। मजाक मजाक में वो सारे लोग ओल्ड मैंशन के पास जाते हैं जहाँ पे अंजू साकी को दरवाजा खटखटाने को बोलती है, पर साकी की जगह दरवाजा खटखटा देती है काया। दरवाजा खटखटाते ही अपने आप वो खुल जाता है और सब लोग डर जाते हैं, पर अंदर से निकलता है सिक्योरिटी गार्ड जो लड़कियों को भागने के लिए बोलकर चले जाता है। सब लोग उस गार्ड का मजाक बनाने लगते हैं और वो काया को श्रापित श्रापित बोलकर वहां से भाग जाते हैं, पर सबके जाने के बाद काया को सुनाई देने लगती है एक अजीब आवाज। वो आवाज अचानक ही गायब हो जाती है, पर अब काया घबराने लगी थी। वो भागकर अपने दोस्तों के पीछे जाती है, पर काया उन तक पहुंच नहीं पाती। थोड़ी देर में सबको काया की चिंता होने लगती है और अब काया अपना फोन भी नहीं उठाती। अचानक साकी के बैग पे एक खून का दाग आ जाता है और अंदर से निकलता है खून से सना हुआ कागज जिसे साकी फेंक देती है। वो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि तभी साकी को फोन आता है काया का। काया फोन पे बहुत अजीब आवाज में बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि काया मुश्किल में है। सब लोग तुरंत ही काया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर काया पहुंच गई थी अपने पुराने स्कूल में। काया को अपनी क्लास के अंदर सालों पुराना सीन दिखाई देता है जब यूका भी जिंदा थी। हम लोग देखते हैं कि यूका से सिर्फ साकी ही बात करती थी और यूका बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। साकी को छोड़कर बाकी सारी लड़कियां यूका का मजाक उड़ाती थी और कई बार यूका को अकेला छोड़कर चले जाती थी। खैर, अब उस भूतिया दुनिया के अंदर काया को फिर से आवाज सुनाई देने लगती है और दूसरी तरफ बाकी लड़कियों को काया कहीं भी नहीं मिल रही थी। एक बार फिर से काया साकी को फोन करती है और वो जल्दी से सबको हॉन्टेड हाउस में मिलने के लिए बुलाती है। सारे लोग हॉन्टेड हाउस पहुंचते हैं जो बंद हो चुका था, पर काया फिर से फोन करती है और सबको अंदर आने के लिए बोलती है। अब साकी, अंजू और चियाकी तो अंदर जाने के लिए तैयार थे, पर आमी को डर लग रहा था। खैर, डर डर के चारों लोग बंद हॉन्टेड हाउस के अंदर ही चले जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था। ऑब्वियसली हॉन्टेड हाउस में क्रीपी चीजें थी, पर थोड़ी ही देर में सबको दिखाई देती है काया जो पोजेस्ड हालत में एक ही बात को बार बार बोल रही थी, ओल्ड मैंशन का दरवाजा मत खटखटाना, ओल्ड मैंशन का दरवाजा मत खटखटाना। काया अचानक ही डिमोनिक बनके अपने दोस्तों पे हमला कर देती है और गायब हो जाती है। इस सब से आमी डर के वहां से भाग जाती है और अब वो हॉन्टेड हाउस में अकेली हो गई थी। आमी अंजू को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन नहीं लगता। हॉन्टेड अट्रैक्शन से आमी और ज्यादा डर जाती है और तभी एक अननोन नंबर से उसे मैसेज आता है। अचानक ही आमी को हॉन्टेड हाउस में कोई बुलाने लगता है और आमी जवाब दे देती है। अननोन नंबर से अब मैसेज आता है जो बोलता है कि आमी ने हॉन्टेड हाउस के अंदर जवाब दिया और इसका मतलब उसने रूल नंबर 2 को तोड़ दिया था। आमी को भी अब वही अजीब डिमोनिक आवाज सुनाई देने लगती है, पर लकीली उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं। आमी बताती है कि उसने रूल नंबर 2 तोड़ दिया है और ये सुनकर चियाकी अब डर के मारे भाग जाती है। अब हॉन्टेड हाउस के बाहर आमी और चियाकी घर जाने की बात करने लगते हैं, पर अंजू और साकी वही रुककर काया को ढूंढना चाहते थे। आमी तो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपनी मम्मी को फोन करने के लिए चले जाती है और फोन पे उसकी माँ उसे पार्क के कोने में बुलाती है, पर हम लोग समझ चुके थे कि फोन पे वो उसकी माँ नहीं थी। आमी अपनी माँ की बात मानकर आगे चले जाती है, पर वो श्राप आमी को भी अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है। दूसरी तरफ अंजू, चियाकी और साकी नोटिस कर लेते हैं कि आमी गायब हो गई और उस दूसरी दुनिया के अंदर अब आमी भी पहुंच जाती है अपने पुराने स्कूल में। उसे क्लास में बैठी हुई अकेली उदास यूका दिखाई देती है, जिसके पास आती है साकी, पर बाकी लड़कियां साकी को यूका से बात नहीं करने देती। सब लोग कोने में घेरा बनाकर बात करते हैं कि यूका उनके टाइप की लड़की नहीं है और ने यूका से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और ये सारी बातें सुनके यूका दुखी हो रही थी। अब ये सब देखने के बाद आमी को भी वो आवाज सुनाई देने लगती है और उसके पीछे हम एक डिमोनिक शक्ति को देख पाते हैं।
वहीं पार्क के अंदर बची हुई लड़कियां परेशान होती जा रही थी और चियाकी को लग रहा था कि शायद तोशीमाएन कर्ज सच में है और अब काया और आमी गायब हो गई है। चियाकी सबको घर चलने के लिए बोलती है पर तभी अंजू को दिखाई देती है आमी जो भागकर चले जाती है मिरर हाउस के अंदर। अब ऑब्वियसली चियाकी अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मिरर हाउस के अंदर होगा सीक्रेट मिरर, पर अंजू अपनी दोस्तों को अकेला छोड़ने नहीं वाली थी। अंजू अकेले ही अंदर भाग जाती है और साकी और चियाकी को भी अंदर जाना पड़ता है। तीनों लोग मिरर हाउस के अंदर आमी को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर में अंजू को मिल जाती है आमी जो बैठ के रो रही थी। अंजू तुरंत आमी के पास भागती है पर लड़कियों की आंखों के सामने से ही आमी गायब हो जाती है और बचता है उसका पर्स। चियाकी समझ गई थी कि ये सब शराब कर रहा है और अब जाने अनजाने में वो तीनों ही लड़कियां खड़ी थी सीक्रेट मिरर के सामने। उस मिरर के अंदर चियाकी को डिमोनिक यूका दिखाई देती है और वो डर के मारे भाग जाती है। चियाकी के भागते ही यूका अंजू के पीछे आ जाती है जिससे अंजू के होश उड़ जाते हैं, पर अगले ही पल यूका गायब हो गई थी। अंजू को यूका अब अचानक ही पकड़ लेती है और उस आत्मा को देखकर दोनों ही लड़कियां कांप जाती है। साकी अंजू को लेकर तुरंत मिरर हाउस के बाहर भाग जाती है चियाकी के पास, पर दोस्तों हम लोग समझ गए थे कि इस पूरी कहानी की स्टोरी यूका के ऊपर बेस्ड है, मतलब पास्ट में उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जो इन लड़कियों पे भारी पड़ रहा है। चियाकी साकी और अंजू अब बाहर बैठ के बातें करते हैं और अब तीनों को यकीन था श्राप की बातों पे, पर वो तीनों ही श्रापित हो गई थी क्योंकि उन्होंने सीक्रेट मिरर के अंदर देखकर तीसरा रूल तोड़ दिया था। तीनों लड़कियां बात करती हैं कि कैसे उन्होंने यूका को देखा और अब हमें पता चलता है कि यूका जब गायब हुई थी तो वो तोशीमाएन पार्क के अंदर ही थी और सारी लड़कियों को पता था कि यूका के साथ क्या हुआ था। सीन जाता है पास्ट में 3 साल पहले जहाँ पे सारी दोस्त इंक्लूडिंग यूका तोशीमाएन पार्क में घूमने के लिए आए थे। हमेशा की तरह यूका से सिर्फ साकी बात कर रही थी, पर जब साकी टॉयलेट गई थी तो बाकी 4 लड़कियों को इंटरनेट पे वही वाली वीडियो मिली थी जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। उस वीडियो में तोशीमाएन कर्ज के बारे में देखकर अंजू यूका को ओल्ड मेंशन का दरवाज़ा खटखटाने को बोलती है और वो सारी लड़कियां कहीं ना कहीं यूका को थोड़ा फ्रेंडली बनाना चाहती थी, पर यूका सिर्फ साकी से दोस्ती रखना चाहती थी। उस दिन चियाकी ने यूका को मैप वगैरह बनाकर दे दिया था पर यूका ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। सारे लोग यूका को अकेला छोड़कर चले गए थे जिसके बाद यूका गई थी ओल्ड मेंशन का दरवाजा खटखटाने के लिए। यूका ने दरवाजे पे खटखटा दिया था जिसके बाद वो श्राप की वजह से गायब हो गई थी और यही वजह है कि श्राप लगने के बाद यूका की ही डेमोनिक आत्मा उन सबके पीछे पड़ रही है। सीन जाता है प्रेजेंट में जहाँ पे तीनों लड़कियां डिप्रेस्ड हो गई थी और अब बस एक ही सल्यूशन था और वो था घर भागने का। तीनों लड़कियां घर के लिए निकल जाती हैं पर रास्ते में चियाकी गायब हो जाती है और बाहर जाने के रास्ते पे आ जाती है एक खाई जिसके दूसरी तरफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। साकी और अंजू समझ जाते हैं कि वो पार्क में फंस चुके हैं और साकी देखती है कि चियाकी गायब हो गई है, पर चियाकी तो चालाक थी क्योंकि वो जानबूझकर अपने दोस्तों से अलग हो गई थी। असल में चियाकी को पता चला था कि अगर वो मैरी गो राउंड राइड पे झूलना स्टार्ट कर दे तो श्राप खत्म हो जाएगा और क्योंकि अंजू और साकी चियाकी की बात नहीं सुन रहे थे तो इसलिए वो उन दोनों को अकेला छोड़ाई थी। खैर अब अचानक ही चियाकी के फोन में चल जाती है वो वीडियो जो उसने यूका के घर पे बनाई थी। वीडियो में पहले तो कुछ भी नहीं था पर अब वीडियो डिमोनिक हो गई थी और चियाकी को दिखाई देती है यूका। वीडियो में अचानक ही यूका चियाकी को डरा देती है और चियाकी अपना फोन फेंक कर भागती है। दूसरी तरफ साकी और अंजू चियाकी को ढूंढ रहे थे और उन दोनों को उसका फोन मिल जाता है। फोन में दोनों को चियाकी की ही वीडियो मिलती है जो बोल रही थी कि अगर कोई मैरी गो राउंड झूले को झूल लेगा तो श्राप खत्म हो जाएगा। ये बात वो बार बार बोल रही थी और उसके पीछे आ रही थी डिमोनिक यूका। यूका चियाकी को पकड़ लेती है और दोनों लड़कियां फोन फेंक कर भाग जाती है।
वो तुरंत जाती है मैरी गो राउंड राइड पे शराब खत्म करने के लिए, पर राइड चालू ही नहीं होती। मशीन में बिजली भी नहीं आ रही थी और उन दोनों को ही पता चलता है कि उन्हें बिजली लाने के लिए पार्क के दूसरे कोने में बिजली घर के अंदर जाना होगा। बिना देर करे साकी और अंजू निकल जाते हैं बिजली वापस लाने के लिए, पर बिजली वाले रूम में भी ढंग से लाइट नहीं आ रही थी। डरते डरते वो दोनों पहुंचते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस के पास और मैरी गो राउंड की बिजली को चालू कर देते हैं, पर वापस जाते वक्त उन दोनों को एक कमरे से आती है चियाकी की आवाज। वो दोनों उस कमरे में जाके चेक करती है, पर चियाकी की जगह उन दोनों को मिलती है एक डिमोनिक अल्टर जिसपे मैरी गो राउंड राइड का एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ था। मतलब किसी ने तो पार्क में शराब को जानबूझ के डाला है। उस जगह पे उन दोनों को अपनी ग्रुप फोटो भी मिलती है जिसमें उन सब लोगों के चेहरे पिघले हुए थे जो मर चुके हैं। वहीं पे उन दोनों को एक कपड़े के नीचे दो कंकाल मिलते हैं जो दोस्तों और किसी के नहीं मिसेज और मिस्टर कोबायाशी के थे। जी हाँ दोस्तों, यूका के मम्मी पापा भी मर चुके हैं, पर क्योंकि यूका की मौत के पीछे उन लड़कियों का हाथ था तो यूका के मम्मी पापा की आत्मा उन लड़कियों को सबक सिखाना चाहती थी और इसलिए ही उन्होंने साकी को फ्री टिकट्स दी थी क्योंकि साकी अब्रॉड जाने वाली थी। अब तभी यूका की डिमोनिक आत्मा वहां पे आ जाती है और दोनों लड़कियां भागती है, पर अब यूका उन दोनों का पीछा करती है। धीरे धीरे यूका उन दोनों के पास आ जाती है और जैसे ही वो दोनों बिजली घर से बाहर निकलते हैं, यूका अंजू को घसीट के वापस अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। साकी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और अंदर से लगातार अंजू की चीखें आ रही थी। अब एंड में जब दरवाजा खुलता है तो साकी अंदर जाती है, पर अंजू भी गायब हो गई थी। दरवाजा बंद हो जाता है और अब साकी भी बिजली घर में फंस जाती है और उसके पास आती है डिमोनिक यूका। यूका को देखकर साकी के होश उड़ जाते हैं और सीन कुछ देर के लिए पास्ट में चले जाता है, जहां पे हमें पता चलता है कि यूका ने साकी को तोशीमायन पार्क में चलने के लिए बोला था क्योंकि वो दोनों बचपन में वहां घूमते थे। यूका ने साकी से वादा भी लिया था कि वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, पर साकी ने वो वादा तोड़ दिया था। अब प्रेजेंट में साकी अपनी गलतियों के लिए यूका से माफी मांगने लगती है और दोस्तों वो जो खून का कागज उसे मिला था वो असल में यूका और साकी की फोटो थी जो मिसेस कोबायाशी साकी को दे रही थी मूवी की स्टार्टिंग में। खैर, माफी को सुन के यूका गायब हो जाती है और अब तुरंत साकी भागकर पहुंचती है मैरी गो राउंड राइड पे। वो राइड को चालू करके तुरंत झूले पे बैठ जाती है, पर झूला अभी भी चालू नहीं होता। लाइट फिर से चले जाती है और डर के मारे साकी रोने लगती है, पर उसके पास फिर से आती है डिमोनिक यूका। यूका साकी के पास खड़े होकर उसे वो खूनी फोटो देती है, पर जब साकी वो फोटो नहीं लेती तो यूका फोटो गिराकर गायब हो जाती है। यूका के जाने के बाद साकी वो फोटो उठाती है, पर तभी यूका की डिमोनिक आत्मा साकी को पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब अचानक ही साकी को होश आता है पार्क के हॉस्पिटल में। नर्स आकर बताती है कि साकी को लोगों ने मैरी गो राउंड के पास बेहोश हालत में ढूंढा था और साकी को लगने लगता है कि वो शराब से बच गई और वो हद से ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे एक बार सीन फिर से उस दिन पे चले जाता है जिस दिन यूका गायब हुई थी और दोस्तों अब हम देखते हैं कि जब साकी टॉयलेट करके वापस आई थी तो उसे पता चला था कि लड़कियों ने यूका को मेंशन का दरवाजा खटखटाने को बोला है। साकी जानती थी कि यूका वो सब नहीं करना चाहती और साकी ने यूका को मना कर दिया था वो सब करने के लिए, जिसके बाद यूका ने साकी को दी थी वो फोटो जिसे हमने पूरी मूवी के अंदर देखा है। अब दोस्तों हुआ ये था कि साकी भी यूका को दरवाजा खटखटाने के लिए बोलने लगी थी ताकि यूका उसकी दोस्तों के बीच में फेमस हो जाए, पर यूका ने साकी को कहा था कि वो बस साकी से दोस्ती रखना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ साकी है जो सब लोगों के सामने
दिखावा करती रहती है ताकि वो क्लास में अकेली ना हो जाए। अब दोस्तों साकी को सच में क्लास में अकेला और अनपॉपुलर नहीं होना था और इसलिए वो यूका से ऊपर अपनी बाकी दोस्तों को चुनती है और फोटो को वापस यूका को देकर जाने लगती है। साकी यूका से दोस्ती तोड़ देती है और क्योंकि यूका साकी को नहीं खोना चाहती थी इसलिए वो मेंशन का दरवाजा खटखटाने को मान गई थी। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि साकी भी सेल्फिश है और उसी की वजह से यूका मारी गई थी। अब प्रेजेंट में अचानक ही कमरे में अंधेरा हो जाता है, मतलब दोस्तों अभी भी रात हो रही थी। यूका की डिमोनिक आत्मा धीरे धीरे साकी के पास आ रही थी जो जल्दी ही दरवाजे तक पहुंच जाती है और कमरे के अंदर देखकर डिमोनिक तरीके से हंसने लगती है। साकी डर के मारे चिल्लाती है और मूवी उसकी चीख के साथ खत्म हो जाती है, मतलब दोस्तों साकी को अपने किए की सजा मिल गई। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तोशीमायन हॉन्टेड पार्क मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।